नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और एक बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम रखा गया है नांगलखेड़ी गांव में नारी तू नारायणी उत्थान समिति के द्वारा, जो स्विता आर्य हैं उनके द्वारा। और गांव की जो संस्कृति है, जो हरियाणा की संस्कृति है, जो पहले की जो वेशभूषा है, किस तरह का जो रहन सहन होता था, किस तरह की वेशभूषाएं महिला पहनती थी, पूरी वेशभूषा आप देख पा रहे हैं कि 90 साल से लेकर के, और आप ये 10 से 12 साल की जो गुड़िया आप देख पा रहे हैं, हर उम्र की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा प्रोग्राम ये देख पा रहे हैं कि एक छोटी गुड़िया ने प्रोग्राम डांस किया और उसके बाद में लगातार जो है इस तरह का प्रोग्राम ये चलने वाला है, जिसमें स्विता आर्या तो है ही है, जो मेयर है पानीपत की, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची हैं। उनके भी द्वारा शायद यहाँ पर सांस्कृतिक जो वेशभूषा, माफ कीजिएगा, जो हरियाणवी जो वेशभूषा है उसके पहन करके उसे वो भी इसमें नृत्य करती हुई नजर आएंगी। ये देख पा रहे हैं आप जो पानीपत मेयर है अवनीत कौर, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी है।
करवाओ सबका माता की गली इनका इधर की तरफ मेरे साहब इधर की तरफ ही फेस करना है थोड़ा सा उनका भी तालियां तो बजा दिया करो आप चलो चलो करवाओ चुप फेस इधर की तरफ रखना फेस इधर मेरे साहब पा रहे हैं कि मेयर अवनीत कौर भी जो है नाचती हुई नजर आ रही हैं, उनको भी चुनरी उड़ा दी गई है। चटिया
सविता जी, इस तरह का क्या प्रोग्राम था और हरियाणवी संस्कृति दर्शाई जा रही है जो विलुप्त होती जा रही है धीरे धीरे? ये है ना, लोहड़ी और मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो अपनी हिंदू हिंदी संस्कृति में इसको बहुत मान्यता है और इसी हरियाणवी संस्कृति का बढ़ावा देने के लिए ना ये गांव में आके आज ये कल्चर प्रोग्राम, आपको पता है समय समय पर हम करते रहते हैं, कोई भी त्यौहार है वो जो हम गांव में जाके मनाते हैं कि जो आज का युवा, जो आज के बच्चे हैं वो गलत दिशा में जा रहे हैं और अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो उसी को लेकर ये हरियाणवी संस्कृति को बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। और यहाँ पे जितनी भी बुजुर्ग महिलाएं हैं जो अब डांस करेंगी, अब इनको सही होगा, सबको सम्मानित कराया जाएगा नारी तुन रानी उत्थान समिति की तरफ से। आपने देखा होगी गांव की सबसे बुजुर्ग महिला 94 साल की, और इस महिला को भी यहाँ पे सम्मानित किया, मतलब 15-20 जो बुजुर्ग महिला है उन सबको यहाँ सम्मानित किया जाएगा। और साथ में हमें ये दिखाने लग रहे हैं कि भाई जो हमारी हरियाणवी संस्कृति है आज के दिन लुप्त हो रही है और विदेशी जो है वो ज्यादा वो हैवी हो रहा है हमारे ऊपर, तो हमने ये दिखाना कि हमारा जो पहनावा है, हमारे जो गाने हैं, हमारे जो मतलब जो भी वो है, जो संस्कार है, वो इसी की वजह से खत्म हो रहे हैं। तो ये हम दोबारा उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आज का जो युवा गलत दिशा में न जाए। प्रथम महिला है पानीपत की मेयर रवनीत कौर, आप भी इस कार्यक्रम में आए हो और आपने भी डांस किया, कैसा लगा और क्या ऐसे प्रोग्राम है वो करते रहना चाहिए बार बार? नहीं बिल्कुल, मैं सबसे पहले नारी तुन नारायणी उत्थान समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, सविता आर्य जी का, उनकी पूरी टीम का, जो कि जिन्होंने एक पहल जो कब से कर रहे हैं कि हमारी जो हरियाणवी संस्कृति है वो हर एक के दिल में जो है वो फिर से उजागर हो, हर एक के दिल में वही पहले जैसे जो ट्रेडिशन होता था कि कोई भी त्योहार होता था तो घर पे बैठ के, घर पे जो घर के आसपास की जितनी भी मोहल्ले की महिलाएं होती थी वो ऐसे ही दामन पहनकर उसको सेलिब्रेट करती थी, वो कहीं ना कहीं जो है कम होता जा रहा है। तो उस चीज को बढ़ावा देने के लिए एक शुरुआत जो स्मृति ने करी है, मैं स्मृति का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, एक इतना ट्रेडिशनल फील जो हरियाणवी हरियाणा का था वो आज हमें आया, और मैं फिर से इनकी पूरी समिति का मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा। थोड़ी सी एक कमी रहेगी इस प्रोग्राम में कि आप डांस तो किया लेकिन अगर दामन आप भी पहनते, च्वाइस थी महिलाओं की, इच्छा थी कि भी आप भी दामन पहन के साथ नाचे? नहीं बिल्कुल, मुझे पहले भी एक बार हम इकट्ठे हुए थे सावन में तो हमने दामन पहना था, तो अभी क्या था कि आज ना मेरी थोड़ा सा आगे एक प्रोग्राम और है, तो अगर मैं आज दामन डालूंगी तो थोड़ा टाइम भी लगेगा, फिर सबको होता है कि सब हमारे साथ बैठकर फोटोज भी कराएं और सबके साथ मैं डांस भी करूं, आज इतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो आज मैंने इनसे सॉरी फील किया है कि इस बार के लिए आप हमें मुझे माफ करो, अगली बार जो भी प्रोग्राम होगा उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनके साथ इनके रंग में हम पूरे रंगे। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपने गांव की तरफ से जितने भी भाई आ रहे हैं, मेरी चाची ताई सभी को हाथ जोड़कर राम राम करती हूँ, संक्रांति की बधाई दे हूँ, और एकादशी का दिन है, और मेरे गांव में जितनी भी मतलब 90-95 80-70 जितनी भी बुजुर्ग महिलाएं हैं हमारे साथ हमेशा रहती है। हमारे गांव में एक छोटी सी मंडली, हमारी दादा खेड़ा भजन मंडली के नाम से यूट्यूब पे हमारा चैनल है, तो उसमें मेरे जितनी भी बड़ी बड़ी बुजुर्ग माताएं बहनें मेरा बहुत साथ देती हैं, एक साल होया हमारे को बनाए, इतना प्यार दे रही है कि मेरे को 54,000 सब्सक्राइब और बहुत अच्छा चल रहा है, और यूट्यूब हमारे को पैसे भी दे रही है, अपनी संस्कृति को जागरूक कर रहे अपने गाँव की तरफ से, और सबसे पहले मेरे गाँव का सहयोग, मेरे गाँव की सरपंच भी आई हुई है, और मैं मेयर अवनीत कौर बेटी लाले बाण इसका भी बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, जो हमारे बीच में हमारे छोटे से प्रोग्राम में पहुंची है, तहे दिल से इनका धन्यवाद करूँ। और जो जितने भी हैं भाई आ रहे हैं, पत्रकार हैं, चाहे कोई चैनल की तरफ से है, हरियाणा न्यूज है, सिटी तहल का है, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गांव पहुंचने में, और हम अपनी संस्कृति को जागरूक करने के लिए डेली महिलाओं को इकट्ठी करते हैं, और उनके आशीर्वाद से ही आज हम इतने आगे पहुंचे हैं और आगे बढ़ेंगे और अपनी संस्कृति को ऐसे जागरूक करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कार्यक्रम आज रखा गया नारी तू नारायणी उत्थान समिति के द्वारा और पहल की गई, हालांकि बीच बीच में कभी पानीपत तो कभी और हरियाणा के हिस्सों में इस तरह के जो कार्यक्रम हैं इनके द्वारा किए जाते हैं, और जिसमें एक बुजुर्ग महिला है करीब 80 साल से ऊपर
वो भी आपको इस कार्यक्रम के तहत नाचती हुई नजर आई। हर उम्र की जो महिलाएं थी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अब इनको सम्मानित किया जाएगा। क्या नाम है आपका? वही बता रहे हैं। भाई आज हो इस बार आज कितनी उम्र है? चला दो भाई गाना। कह रहे हैं फिर से डांस, कह रहे हैं नाच के दिखाओ फिर से। अरे इन्होंने कर दिया। मैडम तो देखिए कार्यक्रम का हिस्सा है ये, और जो महिलाएं थी इस कार्यक्रम में जिन्होंने परफॉर्मेंस की उनको शाल उड़ा करके सम्मानित किया जाएगा। देखो मेरे गांव में इसकी उम्र तो है सबसे ज्यादा। एक मिनट, कितनी उम्र है भाई? 93 मौत कर दी। मौत कर दी 107 साल की। अच्छा, कैसा लगा इस प्रोग्राम में आपके, आपने डांस किया? आनंद आ रहे हैं तुमने बेटे, तुमने भी आशीर्वाद दो, बड़े बड़े बड़ा जगाओ देश नारियाने ना, बहुत वो पल्लाड़े लाओ लाओ, खत्म हो गया था, आनंद ले हम बहुत बढ़िया। तो अब सम्मानित आखिरी पड़ाव में है कार्यक्रम, सम्मानित इनको किया जाएगा शॉल दे करके। हाँ, जो बुजुर्ग महिलाएं सबसे पहले उनको सम्मानित किया जाएगा। मेयर अवनीत कौर का इंतजार है। आप है ना? हाँ कर दो जी। मैं
लड़की दे देता हूँ। एक दादी, वो एक पूरी दादी हो। एक काम करते, ले बैठी चुंडियाली, असली का चुंडियाली दिया है। अरे ठीक तो है, और एक पिक्चर है ये केवल। थोड़े पर डाल देना इसके लंबा कर। खोल अच्छा कहा दिया था तूने गर्मी आ गई जडाई मर्जी ओ जडे म जडाई अलावा बना दो ए जडे म सहेली अलवा खाऊं जड्डे में खिचड़ी देवा खिचड़ी देवा खिचड़ी देवा जड्डे में चा बना दे जड्डे में पानी प्यावा पानी प्यावा जड्डे में यही ना यही बिठा डाक तुम मत तू क्या दादी ने लिया कौन बाबा।